channel and this video is about me getting my lip filler done. ये जो पूरी video है ये किसी के लिए कोई promotional video नहीं है. जो मेरी dermatologist हैं जिनके पास मैं गई थी, मैंने उनसे permission लिया था कि मैं अपने जो lip fillers करवा रही हूँ मैं इसके लिए video बनाना चाहती हूँ और ताकि मैं लोगों के साथ experience share कर सकूँ. इसलिए ये कोई paid promotion नहीं है. I am making this video just to share my experience with all of you. इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपको कभी भी lip fillers की ज़रूरत हो तो आपको पता होनी चाहिए चीज़ें कि क्या होता है, किस तरह से होता है, कैसा प्रोसीजर होता है, कितनी देर का प्रोसीजर होता है. प्रोसीजर बहुत लंबा नहीं होता. होता क्या है कि आप पहले जेल लगाते हैं, वो एक आपके नमिंग जेल होता है कि आपके लिप्स को वो नम कर सके ताकि आपको कम पेन हो. उसके बाद वो सारा जो प्रोसीजर है वो करते हैं. ओके तो गाइस ये फाइनल रिजल्ट है 27 मेकअप का. जो लोग जानते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि मेरे लिप्स में हेल्थ कलर से पहले कितने बारीक थे, लाइक काफ़ी बारीक थे. तो ये कलर के बाद की हाल काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस रहा है डॉक्टर से. ताकि आप लोग जो है वो मेरा पूरा प्रोसीजर जो है वो इस वीडियो में आगे देखते हैं. Alright, so guys, मैं फाइनली डॉक्टर सेहरिश के पास आ चुकी हूँ और अब मैं उनसे पूछूंगी कि मैंने पहले जो फिलर्स लिए हुए हैं अब उसके साथ में कितने और मजीद फिलर्स जो हैं वो आए. आप मुझे ये बताएं कि मैं ऑलरेडी जो है वो फिलर्स ले चुकी हुई हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने वो लिए थे मार्च में, अब है नवंबर एंड. Alright, तो अब मुझे कितने फिलर्स लेने हैं? There are two things जो आप अभी करा सकते हो. सिंस यू आर फ्रॉम द मीडिया, सो मॉडल्स और एक्ट्रेसेस लाइक यू, दे कैन गो फॉर द ड्रामेटिक चेंज लाइक 1.5 एमएम. Sometimes you can show your pictures, sometimes you can just tell your little bit improvements. So आपका जो injector है जिसके हाथ में syringe है, I believe you are artist. Then you have to make your painting. So it's not one shoe fits all, ये वो चीज़ नहीं है. आपको देख के बताया जा सकता है क्योंकि हम लोग रेशियो मेजर करते हैं which is called profilometry. हर एक की प्रोफाइल के मुताबिक कि आपके नोज़, आपके लिप और आपके चिन में कि क्या एंगल्स हैं जिसपे आपको जितना फिलर सूट करेगा. सुनिए आप लोगों ने जाके ये नहीं कहना कि ये पिक्चर है और हमें जो है प्रियंका चोपड़ा वाले जो हैं वो लिप्स चाहिए, क्योंकि आपके फीचर्स बिल्कुल डिफरेंट हैं. अगर आपको फिलर्स चाहिए तो वो आपके फेस के अकॉर्डिंग होंगे. इसलिए आप अपने इंजेक्टर से, अपने डॉक्टर से पूछ के, उनके साथ कंसल्ट करके उसके बाद आप लोगों ने फिलर्स लगवाएँ. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएँ, जैसे आज मैं डॉक्टर सेहरिश के पास आई. Okay, so guys, I am done with my fillers. As you can see, थोड़ा सा obviously थोड़ा सा pain होता है. वो इसलिए होता है क्योंकि एक gel आपकी body में जो है वो जगह बना रहा है, उसको space बनाने के लिए, जगह के लिए थोड़ा सा pain करता है, मगर eventually ठीक हो जाता है. फिलहाल हम ये eyes use करते हैं.